अरे वाह, बहुत सुंदर जोड़ा लाए भाई साहब, है ना? इसे पहनकर हमारी रागिनी राजकुमारी लगेगी। लेकिन आपकी ही राजकुमारी है कहाँ? वो एक कदम एक जगह पर टिक कर बैठती है का? गई होगी कहीं अपना काफिला लेकर। आपको रागिनी का हंसना खेलना अच्छा नहीं लगता है का? जब देखो तब कोई ना कोई दोस्त निकालते रहती हैं आप। हम माँ है उसके, भला ही चाहेंगे उसका। आप शायद ये भूल गए कि हम भी जमींदार परिवार से, ससुराल में कहाँ किसी का वश चलता है। भगवान न करे उसकी ये सब आदतों की वजह से कहीं ससुराल में परेशान ना होना पड़े। क्या बात है, आप ठीक हैं? बाबूजी, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, बाबूजी नहीं, डैड। वो डैड थक तेरी की एक अंग्रेजी शब्द नहीं याद है। वो हम वो इंग्लिश टीचर के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे थे और फिर वो जो सजाने वाली आई थी ना उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे और अब जो है हम सोने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, अर्ली अर्ली स्लीप अर्ली मॉर्निंग गुड नाइट गुड नाइट। क्या कह के गई? कह गई कि समय बदल रहा है, कल हम पंडित जी को बुलवाएं शादी का तारीख निकलवाने के लिए। बहन जी, अब चार दिन में हमसे जो बन पड़ा हमने किया, बाकी सुमेर के बाबूजी को तो आप जानते हैं ना, तैयारियां सब थी। अरे ओ सुरेखा, अरे बुआ जी, पायला को बुआ जी। सदा सुहागन रहो। कहाँ है पपुआ हमारा, क्या दिमाग उसने कचहरी में छोड़ दिया है? दो ही दिन में शादी तय कर दी। हाँ बुआ जी, पायला खुश रहो खुश रहो। लेकिन तुमने तो हमें दुखी कर दिया। तो कैसे? देखो सीधे हम पटना से आ रहे हैं, ना तिलक ना बरक्षा, सीधा शादी तय कर दिया। और लड़का भी देखा है कि नहीं देखा, कि वो भी कंप्यूटर वाला है? अरे बुआ, सब देखा है ताका है, आप परेशान मत होइए, बैठिए तो सही आप आराम से। अच्छा हमारी बिटिया कहाँ है? वो बाहर गई है। बाहर गई है? हल्दी लगने के बाद ड्योढ़ी नहीं लांगी जाती, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? बताओ भला, बारात आने वाली है और लड़की बाहर गई है, ये सब तुम्हीं ने बिगाड़ा है उनको। अरे वो देखिए आ गई सृष्टि। सब और कौन ये लोग? बेच भैया, ये विकराल सिंह है और उसका आदमी लोग। विकराल सिंह, जितना भी गाड़ी है सब हमारा गाड़ी के पीछे ले लो। भैया भैया हमारा बात सुनिए, भैया भैया सुनिए ना। सुन नहीं रहा जी, क्या बात है भाई? हाँ और कहाँ चल रहा है ये सब, और कहाँ है हम अपना गाड़ी को आपकी गाड़ी के पीछे पीछे लेके जाएं? काहे की बारात अब हमारे घर जाएगा। आपका परिचय? बाबूजी यही हैं विद्वान सिंह। अच्छा तो आप हैं विद्वान सिंह, बेटा को बेचने का धंधा बना रखे हैं का?
अरे इतना पीछे काहे खड़े हैं? कड़कड़िया नोट बड़का भैया को नहीं गिनवाए थे? बैग दो हमें, हटो हमारे सामने। हम आपको नहीं जाने देंगे। ये पैसा हम थामे थे ना, तो इसको वापस करना हमारा जिम्मेदारी है भैया। हमारा विश्वास कीजिए ना भैया, एक बार बस। भैया वो अब आप चाहे थप्पड़ मारिए चाहे गोली, ये रिश्ता आपका धर्मपत्नी ने तय किया था और रिश्ता का गांठ को मजबूत बनाने के लिए मुंह मांगा दाम दिए हैं, अब दुगना भी किए उसको। ऐसा है हम बहस के मूड में नहीं है, चुपचाप बारात ले चलिए। देखिए बिकराल सिंह, आप जितना भी पैसा दिए हैं ना हमारा भाई को, उससे चार गुना अधिक पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये हमारा विद्वान सिंह का जवान है, परिवारात वहीं जाएगा जहां जाने के लिए निकला है। अपना जुबान अपने पास रखिए। जरा हम भी तो देखें हमारी बिटिया कैसे लग रही है। बहुत ही सुंदर लग रही हो, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। माँ जिनका आशीर्वाद लगता है उनकी नजर नहीं लग सकती। बातों में ना तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अनुराग का लंदन का पढ़ाई ना धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा अब जो कुछ भी बाकी रह गया है ना तैयार होने में वो कर लो, बारात का आने का वक्त हो गया है। माँ हम भी तो अकेली दुल्हन है, अब अनुराग जी के साथ साथ सारे बारातियों को भी हमारे नखरे सहन करने होंगे। अच्छा एक बात बोलो बेटा, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? माँ हम बहुत खुश हैं। ड्रामा तो अब शुरू होगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी हमारे पापा पे बंदूक तानने की? हम भी ठाकुर ही हैं, मारना भले छोड़ दिया पर मरना जानते हैं हम। आपके पोते का ब्याह हमारी बहन से तय हुआ था, अगर हमारी बहन बिना ब्याहे उस मंडप से उठी तो हमारे बाबू जी अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दुल्हन मंडप से बिना ब्याह के नहीं उठेगी, तुम्हारी बहन की शादी हमरे पोते से ही होगी। काहे इनकार कर रहा है शादी से वो? अरे काहे का इनकार कर रहा है, एक ही बात कह रहा है कि जहाँ हमारा बारात जा रहा था उसी से शादी करेंगे। इस धोखे का परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेगा।